सर हाँ हाँ बोलिए। हाँ यस सॉरी बट सर ये लास्ट वीक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने डाले हैं क्या यूट्यूब पे? लास्ट वीक के एक्चुअली हाँ लास्ट वीक में ना थोड़ा सा अभी लास्ट वीक के मतलब मैं डेट बताता हूँ आपको, मतलब उस डेट तक मैंने डाले हैं, उस डेट तक लेक्चर सब मतलब हाँ जितने भी हो गए एक्चुअली उस मैंने डेट। लास्ट वीक किया नहीं था उसके लिए। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कौन से वीक तक डाले हैं या फिर कौन से डेट वाइज आपको बताता हूँ मैं कितने डेट तक डाले हैं। ओके लास्ट वीक के नहीं रहेंगे ओके शायद से, ओके लास्ट वीक में इतना कुछ हुआ भी नहीं था, थ्योरेटिकल लिया था मैंने, थ्योरेटिकल और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल थोड़ा सा ऐसे रिवीजन किया था, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था इसलिए डाले नहीं मैंने। मतलब यूट्यूब के ऊपर भी आई हैव अपलोडेड द मेन मेन, मतलब जो मेन मेन टॉपिक्स जो कवर किए थे मैंने ऑलमोस्ट, जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, बाकी जो जस्ट एकदम थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पार्ट है वो भी डाले हैं, लेकिन मैक्सिमम आई हैव इंक्लूडेड द प्रैक्टिकल लेक्चर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल जिस लेक्चर्स में कवर किए हैं वो सारे लेक्चर डाले हैं मैंने। ठीक है, और बीच में अगर कुछ मिस हो गया रहेगा तो दैट आई विल अगेन रिपीट इट। कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हुए हैं स्टार्ट से या फिर ऐसे बीच में से ही रिकॉर्ड हो गए हैं, सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट पॉइंट्स, ठीक है, जस्ट लेट मी नो, आई विल अगेन रिवाइज दैट इन द लेक्चर, आई विल अगेन रिकॉर्ड इट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब। ठीक है, ऐसे बताओ बताओ मुझे कि ऐसे। सर हाँ और एल्स विल डू लाइक हम लोग कैसे करेंगे कि अभी पूरा लेक्चर आपका जब खत्म होगा सारे चैप्टर्स हाँ हाँ देन एक समरी लेक्चर रखेंगे, उसमें अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग पूछ लेंगे तभी। अच्छा, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर ऐसे ही ऐसे लिंक में अगर आप पूछोगे ना तो आपको भी पूरा क्लियर हो जाएगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जस्ट सी टू दैट ऑल ऑफ द थिंग्स आर अपलोडेड, मतलब मुझे ये बताते रहो कि कौन से किस लेक्चर के किस पॉइंट तक मैंने अपलोड किया है, मतलब वो स्किप नहीं होना चाहिए। फिर वीडियोस तो बहुत सारे डाउनलोड करके रखे हैं, मतलब मिक्स भी होना नहीं चाहिए, ऐसे करके मैंने डाउनलोड किया है। बाकी फिर जैसे जैसे अपलोड किया है अगर कुछ गलत भी अपलोड होता है तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, बाकी के भी स्टूडेंट्स को बताया मैंने कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहाँ के लेक्चर्स है, बाकी दूसरे सेक्शन के भी लेक्चर्स है मेरे पास। ठीक है, सो वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ज्यादा, मुझे ही कंफ्यूज हो रहा है अभी कभी कभी, कौन से पॉइंट कहाँ पे किसके लेक्चर में कौन से पॉइंट्स क्लियर किए मैंने, आई एम नॉट एबल टू सी दैट। ठीक है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम्प्लीट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग का तो आपको कम्प्लीट हो गया है क्या? यस सर ओके, वेब टेक्नोलॉजी वेब टेक्नोलॉजी ना इट्स गोइंग ऑन। गोइंग ऑन क्या? ठीक है, उसके लेक्चर्स तो रहते हैं क्या सब लोग के हाँ पास है? वेब मतलब आज टेक्नोलॉजी निकिता मैम के पास है ना? अभी हाँ सर ने कितना कंप्लीट किया था? सर ने मतलब सर ने स्टार्ट में सर एचटीएमएल थे, कंप्लीट किया था HTML क्या, मतलब कितने टॉपिक थे उसके अंदर टोटल, मतलब कुछ आइडिया रहेगा एक तो आप बता रफली सकते हो। 7 सेवन सेवन टॉपिक्स टू है, एट रफली। हाँ 7 to 8 topics। स्क्रिप्ट राइटिंग में कितने यस टॉपिक्स है? स्क्रिप्ट राइटिंग में टॉपिक्स लाइक मैं चैप्टर्स बताओ क्या? चैप्टर्स हाँ, ओवरऑल हाउ छह मेनी चैप्टर्स? से सात थे, अभी ओके, टॉपिक्स उसमें सब टॉपिक्स अच्छा हाँ, तो सब पूरा कंप्लीट हो गया है क्या? 7 topics पूरे? थे। हाँ यस सर बेसिक लाइक थ्योरी अच्छा, बताया उन्होंने टॉपिक वाइज, सो इट्स हाँ वैसे कंप्लीट तो है। तो इसके बाद में फिर वेब टेक्नोलॉजी का वेब टेक्नोलॉजी का अभी सेकेंड सॉरी थर्ड चैप्टर चालू है, मतलब सीएसएस चालू है। अच्छा, और कितने बाकी है फिर? मतलब हो गया ना ऑलमोस्ट कंप्लीट, नहीं सर और बाकी है बाकी है क्या? अच्छा, डिजिटल एडिटिंग का? डिजिटल एडिटिंग का। डिजिटल हाँ, एडिटिंग का मेरे कितने पास ही है बाकी है? डिजिटल हाँ एडिटिंग। आपके पास ही है वही। हाँ, तो मैं इसके अंदर लास्ट क्या क्या, वीक व्हाट का ऑल इज रिमेनिंग? नो, लास्ट वीक का उतना कुछ नहीं है, सिर्फ रिवाइज किया था, लास्ट वीक के पहले का ही बता दो मुझे सिर्फ। कैमरा एंगल अच्छा, स्टफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर लास्ट का जो रिलेटेड टॉपिक, एवरीथिंग इज कमिंग। हाँ लास्ट का टॉपिक जो है, लास्ट का वो जो टेम्पलेट्स वगैरह इंपोर्ट करना था, हाँ रेडीमेड टेम्पलेट्स वो भी था, और आज भी थोड़ा सा मैं टेक्स्ट का वगैरह आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यूजिंग सम ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट्स, हाउ यू कैन यूज दैट एंड ऑल्सो यूजिंग सम ऑफ द वीडियो इफेक्ट्स विच यू कैन यूज। ठीक है, वही बताना वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए किसी। हाँ सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली वो जो ग्रुप पे एक नोटिस भेजा है हाँ, सेमिस्टर्स के कुछ, तो वो क्या है? अच्छा नहीं, वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी इज डिसाइडेड, यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड दैट द एकेडमिक ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है,
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, ये तीनों का भी रहेगा या फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर का रहेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर, ठीक है, 1 तारीख से वो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, और जिसका सेमेस्टर पैटर्न वगैरह रहेगा, अभी आपका भी सेमेस्टर पैटर्न है, जिसका एनुअल पैटर्न है उनके लिए भी वही रहेगा। तो आपका जो सेमेस्टर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर टू, जस्ट सेकेंड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1/7/2020, सॉरी, डेट्स क्या दिए इन्होंने, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, द डेट्स ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 यूनिवर्सिटी शुड बी अंडर, मतलब फर्स्ट टर्म जो है आपका दिसंबर में खत्म होगा, सेकंड टर्म जनवरी में स्टार्ट होगा 1 तारीख को, और 5th मंथ में खत्म होगा, ठीक है, ऐसे दिया है उन्होंने, मतलब 7th मंथ से आपका जो टर्म है वो स्टार्ट हुआ है, मतलब जैसे कि हमने लिया है आपका स्टार्ट से, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 मींस 5 मंथ्स, 5 मंथ्स फॉर फर्स्ट टर्म एंड 5 मंथ्स फॉर सेकेंड टर्म, ऐसे रहेगा, एक साथ, सात मंजे का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई जुलाई, हाँ राइट, जुलाई ठीक है, जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई से स्टार्ट हुआ है एंड दिसंबर में खत्म होगा, मतलब खत्म मतलब कैसे, पूरा एग्जाम्स वगैरह सब 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 कंप्लीट करके वो टर्म वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 तारीख तक। एग्जाम का कुछ अपडेट्स लाइक कैसे होगा, क्या होगा? और ये जो लास्ट टाइम विवेक सर का जो टेस्ट हुआ वो ऑन द स्पॉट था, और मेरे तभी नेट ऑफ था एंड आई हैवंट अटेंडेड इट. अच्छा, वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि दैट आर द क्लास टेस्ट, ठीक है, वो हाँ इंटरनल यस एग्जाम्स के वगैरह नहीं है वैसे कुछ, इट वॉज अ क्लास टेस्ट, ही विल कंसिडर इट इन द ग्रेड, ग्रेड का सिस्टम रहेगा जो, या फिर ही कैन ऑल्सो इंक्लूड, मीन डिपेंड्स, वो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड है, बट दैट दैट वर नॉट द इंटरनल एग्जाम्स, ठीक है। या बट हमें क्लासेस का भी इन केस हमें वो टाइम टेबल मिले, शेड्यूल मिले, देन वी वुड फॉलो इट. राइट, ऐसे अचानक देंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे ना उसके नहीं साथ, नहीं उसके वो लिए. और वो क्लास टेस्ट है जस्ट टू टेस्ट द नॉलेज, मतलब जितना आप लोग को मतलब नॉलेज मिला है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी 10 लोग हैं हमारे क्लास के अंदर, ठीक है, 5 ऑफ देम आर हैव स्कोर्ड 20% एंड 5 ऑफ देम हैव स्कोर्ड 60%, ठीक है, अगर 20% और 60% का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑफ 40% या फिर 45% तक जाएगा, ठीक है, सो अभी कैसे रहेगा, फैकल्टी विल डिसाइड दैट स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड 45%, मतलब ऑलमोस्ट 45% तक उनको समझ में आ गया है, ठीक है, वो एवरेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 45%, सो उसके आगे जो प्रिपरेशन रहेगा फिर बाकी आपको जितना कवर अप करना है या फिर जितना आपको और सिखाना है, देन ऑन दैट बेसिस ही विल आस्क यू, ही विल कवर अप द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, तो वैसे टाइप का रहता है क्लास फीस जो रहते हैं। हाँ सर तो प्रैक्टिकल का क्या, हाँ? प्रैक्टिकल्स का क्या? प्रैक्टिकल्स घेता है का? नाही घेते त्याचं काय म्हणते मी. अच्छा प्रैक्टिकल्स काय, प्रैक्टिकल्स ते बघून आता आपण, ते सगळं युनिव्हर्सिटी वरती असतं बघा, आपल्यावरती काहीच नसतं, युनिव्हर्सिटी म्हणलं घ्यायचं किंवा ऑनलाइन घ्यायचं, ऑनलाइन सबमिशन्स घ्यायचे, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स घ्यायचे, ऑनलाइन काय तुमचे पोर्टफोलिओ वगैरे काहीतरी घ्यायचे, तर ते आपण घेऊ शकतो तशा पद्धतीने, ठीक आहे, जसं आता हे सर्क्युलर टाकलेलं आहे, आता हे कमिट्समेंट होतं जुलै पासून, ठीक आहे, जुलै ते 5/12, 5/12 म्हणजे 5/12 पर्यंत नाही का तुमचे एक्झाम्स वगैरे सगळं होऊन कम्प्लीट होऊन, आता ऑक्टोबर, आता नोव्हेंबर मध्ये तुमचे एक्झाम डेट्स येतील असं वाटतंय मला, ठीक आहे, म्हणजे 5 तारखेपर्यंत तुमचं फर्स्ट टर्म कम्प्लीट होईल पूर्ण, त्याच्यानंतर सेकंड टर्म स्टार्ट होईल 1/1/2021 पर्यंत, ठीक आहे, नोव्हेंबर मध्ये तुमचे डेट्स येतील, एक्झाम फॉर्म्स वगैरे सगळे येतील, ते पण ऑनलाइन असणार ऑफलाइन असणार इट डिपेंड्स, ठीक आहे, डिपेंड रहेगा आपके यूनिवर्सिटी के रूल्स के ऊपर, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे अभी थर्ड ईयर का हो रहा है, थर्ड ईयर के जो एग्जाम है वो टोटली ऑनलाइन कंसिडर हो रहे हैं पूरे, ठीक है, ऑनलाइन ही उनका हो रहा है, दे आर गेटिंग द सीट नंबर्स, दे आर गेटिंग द लॉग इन आईडीज, ठीक है, एंड दे हैव सम ऑफ द रूल्स, ठीक है, इफ यू वांट टू गिव एग्जाम्स यू हैव टू यूज सर्टन एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कैमरा इज एसेंशियल, कैमरा कंपलसरी चाहिए,
या फिर मोबाइल के ऊपर अगर आप लोग दे रहे हो तो मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन एक्टिवेट रहता है आपका उसके अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स है उसके। एंड ऑल्सो ऑन द पीसी वो एक बार विंडो ओपन हो गया तो यू डोंट हैव टू शिफ्ट योर प्लेसेस और नो वन शुड बी बिसाइड्स यू, ठीक है, कोई भी आपके साइड में वगैरह नहीं चाहिए बैठा हुआ या फिर कोई भी आपको ऐसे डिक्टेट करता हुआ नहीं चाहिए सामने पीछे, ठीक है। तो वैसे कुछ आपको नहीं करना है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको भी वो रूल्स सब बताए जाएंगे एग्जाम्स के पहले, ठीक है। जैसे कि टीवाई के स्टूडेंट्स को पहले एक मॉक एग्जाम मॉक टेस्ट लिया गया था उनका, जस्ट टू सी दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन टेस्ट, मतलब क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो देखने के लिए मॉक टेस्ट आपको पहले दिया जाएगा, उसके बाद में आपका फाइनल एग्जाम लेंगे इफ इट इज ऑनलाइन, ठीक है। बट इफ द कॉलेज स्टार्ट और रीओपन्स ऑन नवंबर, ठीक है, उड़ते उड़ते ऐसे खबर आ रहा है कि 1 तारीख से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या फिर ऑल ऑफ द फैसिलिटीज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1 नवंबर, बट इट इज नॉट श्योर, ठीक है, वो पूरा फिक्स नहीं है। सर नहीं, मेरे को नहीं पता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्टार्ट होगा इतना पता है। हाँ हाँ वही ना, तो कुछ 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 वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसके अंदर अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन मिनिस्टर्स वगैरह उन लोग मीटिंग वगैरह लेके बोल देंगे कि एजुकेशन का भी आपको स्टार्ट करना है या फिर थोड़ा बहुत आपको कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके कुछ ये रूल्स फॉलो करके स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट, मतलब वो हो सकता है, मतलब इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी है कि उनके साथ में हम लोग भी स्टार्ट हो जाए, मतलब एजुकेशन सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा, बट नॉट दैट मच श्योर, ठीक है। अभी 70% तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, बट 30% स्टिल वी हैव डाउट्स, ठीक है, मतलब कभी भी कुछ भी डिसीजन आ सकता है, जैसे कि पहले आ गया था टीवाई के एग्जाम्स के लिए, वो लोग जस्ट दे वर शिफ्टिंग दैट डिसीजन, ठीक है, पहले बोल रहे थे कि एग्जाम नहीं होंगे, तो बाद में फिर से बोले कि एग्जाम होंगे, फिर से बाद में बोले कि नहीं होंगे, फिर अभी जो फाइनली यूनिवर्सिटी ने जब डिसाइड किया तो डायरेक्टली उन्होंने एग्जाम के शेड्यूल्स वगैरह सब असाइन करके दे दिए, ठीक है। सो डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है, जस्ट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ रूल्स एंड टर्म्स, यू हैव टू फॉलो ऑल ऑफ द रूल्स गिवन बाय द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। वहां पे आप लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते हो कि ऐसे क्यों किया या फिर अचानक बताया या फिर अचानक किया, स्टार्ट से ही हम लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वेदर इट विल बी ऑनलाइन और वेदर इट विल बी ऑफलाइन, ठीक है। अब ये जो डेट्स दिए गए हैं आपको, यू हैव टू फॉलो दिस डेट्स एंड बी प्रिपेयर्ड दैट दिस टर्म विल एंड ऑन 5/12/2020, ठीक है, कंक्लूजन जो रहेगा इस टर्म का इट विल बी टिल 5/12/2020, वहां तक आपका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर टाइम टेबल्स एंड यू हैव टू फिल द एग्जाम फॉर्म, जो डेट्स वगैरह आएंगे, ठीक है, कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट फॉर द एग्जाम फॉर्म डेट्स, ठीक है। अभी मतलब ये भी अगर चेंज होता रहेगा तो ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है, दिस सर्कुलर नंबर 285, इसके बाद में अगर दूसरा सर्कुलर आएगा 286 या फिर 347, उसके अंदर कुछ अलग टर्म्स रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इन्होंने टेम्पररी ये लॉन्च किया है सर्कुलर, ठीक है, मीन्स इट मतलब ये जो दिया गया है ये ऑनलाइन ही है, इसके अंदर भी और कुछ चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, मतलब आपको इसको भी फुल्ली कंसिडर नहीं करना है, यू कैन कंसिडर दिस सर्कुलर 90%, ठीक है, 90% ये सर्कुलर कंसिडर करना है और 95% तक कंसिडर करना है, बट रिमेनिंग 5 to 10% इज स्टिल डाउटेबल, ठीक है, स्टिल देर इज अ डाउट दैट यू कैन दैट द यूनिवर्सिटी कैन चेंज दीज डेट्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैन चेंज द गिवन डेट्स, ठीक है। हाँ सर, और कुछ डाउट्स एनीवन? इतना क्लियरली कोई समझाता नहीं रहेगा आई थिंक। कोटिंग स्टूडेंट्स यार, सर सर हाँ हाँ बोल 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 सुन। सर प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट जो सबमिट करायचं तो ऑनलाइन सबमिट करायचं आहे की कॉलेज मधून करायचं प्रोजेक्ट? तेच ना, तेच मी आता सांगितलं ना की यू हॅव टू वेदर इट, मतलब युनिव्हर्सिटीचे जे गाईडलाईन्स असतील त्या गाईडलाईन्स प्रमाणे यू कॅन सबमिट इट ऑनलाईन और ऑफलाईन, डिपेंड्स अपॉन द गाईडलाईन्स, ठीक आहे। म्हणजे जे युनिव्हर्सिटी करणं जर का आलं की ऑफलाईन आपल्याला लेक्चर्स किंवा कॉलेज स्टार्ट करायचंय किंवा आपला एक्झाम पण ऑफलाईन घ्यायचे किंवा सबमिशन वगैरे जे असेल तुम्ही ते ऑनलाईन करा, फक्त एक्झाम साठी पोरांना बोलवा, त्या हिशोबाने सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून तुमची एक्झाम घेतली जाईल, म्हणजे ती एक्झाम असेल ऑफलाईन बट सबमिशन तुम्ही ऑनलाईन करा, तर डिपेंड्स, मी तुम्हाला तसं डेट्स देणार, फक्त तुम्ही प्रिपेअर करून ठेवा, सॉफ्ट कॉपीज तुमचे सगळे रेडी ठेवायचे, सॉफ्ट कॉपीज अँड ऑल्सो द हार्ड कॉपीज, ठीक है। आपको जो जो प्री प्रोडक्शन में आपने काम किया है वो पूरा काम जो फाइनलाइज होगा आपका, जस्ट सेंड मी दोज वर्क,
जब बिफोर फाइनलाइजिंग एंड बिफोर प्रिंटिंग जस्ट कंफर्म इट, ठीक है? मतलब मुझे मेल करते रहो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भेजोगे तो भी चलेगा, और सब लोग मत भेजो, आपके जो ग्रुप लीडर्स या फिर टीम लीडर्स है, राइट योर टीम नेम और आपके टीम में कितने लोग हैं वो लोगों का नाम लिखो, एंड जस्ट सेंड मी द प्री प्रोडक्शन वर्क जो आप लोगों ने किया है, जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स के लिए किया है, एंड आई विल रिकमेंड यू टू नॉट गेटिंग स्टार्ट और नॉट स्टार्टिंग द न्यू वर्क, जस्ट जो आपने प्रीवियस जो ग्रुप्स किए हैं या फिर प्रीवियस जिसमें सब काम किया है, जस्ट कैरी ऑन विद दैट ओनली वर्क, जस्ट ऐड सम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है? जहाँ पे जिसके पास अवेलेबल रहेगा जस्ट शेयर योर एलिमेंट्स एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, ठीक है? एटलीस्ट उसके अंदर 30-40% वर्क एड करो, या फिर एटलीस्ट 20-25% को भी कम से कम वर्क उसके अंदर इंक्लूड करना है आपको, ठीक है? एंड जस्ट शो मी दैट वी हैव इंक्लूडेड दिस टाइप ऑफ वर्क एंड दिस टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय ऑल ऑफ दिस स्टूडेंट्स, ठीक है? जस्ट टेल मी अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है? ज्यादा लोड लेने का जरूरत भी नहीं है, जस्ट गिव योर बेस्ट इन दिस सिचुएशन, आप लोग जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट आप लोग दे दो, ठीक है? डेडलाइन वगैरह मी तुम्हाला सांगतो नंतर ना, कारण कसं ते आपल्याला लास्ट वर्षाच्या एंडिंगला आपल्याला सबमिट करायचं आहे. सो त्याच्यामध्ये काय आहे, सेकंड टर्मचं कॉन्क्लुजन कधी होतं इथं, अकॉर्डिंग टू दिस सर्क्युलर, ठीक आहे? सर्क्युलर नंबर 285. एक सेकंड शेअर करतो स्क्रीन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सर्क्युलर यहाँ पे जो है एग्जाम डेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे जो फील्ड्स है, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग COVID-19 सिचुएशन इन द कंट्री, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स स्टिल रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र टाइम टू टाइम, ठीक है? इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब यूनिवर्सिटी भी खुद के रूल्स नहीं डालती है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइड करता है, एजुकेशन पैनल जो डिसाइड करता है काउंसिल के अंदर, सी दिस आर द दिस इज द काउंसिल, वहां पे जो ऊपर जो काउंसिल है जिस जो लोग डिसाइड करते हैं वो दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? इन केस ऑफ हेड डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू गिव एडिशनल हॉलीडे इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ही मे डू बाय द कंपनसेटिंग द सेम बाय कीपिंग डिपार्टमेंट वर्किंग ऑन संडे, ठीक है? अब ये भी आपको फॉलो करना है, इफ अगर इतने सारे अभी ऑलरेडी हॉलीडेज हो गए हैं, ठीक है, अगर आपका सिलेबस या फिर कुछ वर्क इनकम्प्लीट रहता है तो आपके संडे के दिन भी इफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड, मतलब रंजीत सर या फिर जो भी सब पर्टिकुलर रिलेटेड टू फील्ड वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उन लोग ने अगर डिसाइड किया कि संडे के दिन भी आपके लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, वेदर इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, मैं बार बार आपको वही बोल रहा हूँ, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको वो सब लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, यू हैव टू कम ऑन संडे ऑल्सो टू द कॉलेज, और यू हैव अगर ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन भी आपको संडे के दिन लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन में भी संडे के दिन भी आपको कॉलेज को आना है, इफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स डिसाइड, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट अभी यहाँ पे कमेंसमेंट है 1/7 और इसका जो एंड कॉन्क्लूजन रहेगा 12, सेकेंड टर्म का जो रहेगा 1/1/2021 एंड 15/5/2021, पांचवा महीना मींस मई तक, ठीक है? 15 मई तक आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा, फिर अप्रैल मई फिर जून के अंदर आपके एग्जाम्स रहेंगे, ठीक है? जून के अंदर एग्जाम्स या फिर मई के अंदर ही आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, 15 तारीख के बाद में अगर आपके एग्जाम्स रहेंगे तो 15 तारीख के बाद आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे मई के अंदर ही, ठीक है? तो आपका सबमिशन जो रहेगा इसके पहले रहेगा, अप्रैल के अंदर ही आपका सबमिशन रहेगा या फिर मार्च या फिर अप्रैल, दीज टू मंथ्स विल बी, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जस्ट कीप इन माइंड यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट्स एंड शोरील इन दीज टू मंथ्स, ठीक है? मार्च और अप्रैल के अंदर मैं जो भी डेट्स बताऊंगा आपको उस डेट्स के ऊपर आपको आपके शोरील्स एंड प्रोजेक्ट्स ये दोनों भी सबमिट करने हैं ग्रुप वाइज, ठीक है? ग्रुप वाइज आपको बताया जाएगा वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो मंथ्स के अंदर, अगर ये हम लोग टाइम टेबल लास्ट तक फॉलो करते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब कुछ अपडेट्स नहीं होते हैं इस टाइम इस एकेडमिक ईयर के कैलेंडर के अंदर, देन यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट्स एंड शोरील इन सेकेंड टर्म के अंदर भी मार्च एंड अप्रैल दीज टू मंथ्स के अंदर मैं आपको सबमिशन डेट्स बताऊंगा, ठीक है? फॉर योर फाइनल प्रोजेक्ट्स एंड शोरील सबमिशन, ठीक है? और एवरीथिंग जो भी आपके सबमिशन रहेंगे वो सारे सबमिशन ये दो महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? और प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके ये दो महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पहले और अपियरिंग बिफोर अपियरिंग विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्स उसके पहले ही आपको सबमिशन करना है, ठीक है? यू हैव टू बी रेडी,
मतलब मैं आपको अगर ऐसे ही बोलूंगा कि विद इन 2 डेज यू हैव टू सबमिट द थिंग्स, ठीक है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. यू हैव टू कंप्लीट, कीप एंड कंप्लीट, फेब तक आपको पूरा कंप्लीट करके रखना है. आपके जो भी वर्क रहेगा फेब तक, रेंडरिंग वगैरह, फाइनल आउटपुट सब रेडी करके रखना है. मैं आपको फेब के बाद में कभी भी डेट्स दे सकता हूँ. वेदर आई कैन गिव मार्च, ठीक है, मार्च के 1 तारीख को अगर मैंने डेट दिया है तो 1 तारीख को ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स वी हैव टू सबमिट, टेक योर सबमिशंस एंड वी हैव टू कंसीडर योर इंटरनल मार्क्स एंड द फाइनल प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है. उसके पहले ही हमको प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, बाकी आपका थेरोटिकल जो है वो 5वें महीने के पहले आपका थेरोटिकल एग्जाम्स वो भी कमिंस होके, ठीक है. जस्ट कीप इन माइंड यू हैव टू सबमिट इट इन मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने के अंदर कभी भी आपको सबमिट करना पड़ेगा. जब भी मैं आपको डेट दूंगा तो आपको डेडलाइन रहेगा फेब के एंड तक आपको पूरा आपका वर्क कंप्लीट करना है. फेब एंड तक आपको वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है. आई एम रिपीटिंग एंड के मैसेज में भी टाइप करके रखता हूँ मैं, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है. कोई अगर बोलेगा कि सर आई डोंट नो, जस्ट इन्फॉर्म योर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है. आपके दोस्त कोई रहेगी जिसने अटेंड नहीं किया है लेक्चर तो उनको ये बता दो, बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया है. आपके ग्रुप के मेंबर्स ही रहेंगे बहुत सारे, ठीक है. जस्ट इन्फॉर्म योर ग्रुप, आपके ग्रुप क्लास ग्रुप रहेगा, उसके ऊपर एक मैसेज डाल दो कि यू हैव टू अटेंड ऑल ऑफ द लेक्चर्स. कई कभी कोई कोई तो एक पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब है, ठीक है. सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस, ठीक है. अगर मैसेज नहीं पहुंचा है, आई ऑलरेडी हैव अ प्रूफ दैट आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ यू इन द लेक्चर. अब टेक्निकल इश्यूज रहेंगे, वो कुछ रहेंगे, सो आई आई कैन नॉट कंसिडर ऑल ऑफ दैट, ठीक है. अभी मैसेज में भी मैं टाइप करता हूँ. फाइनल डे ऑफ किचन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्टोरेज विल फेब 28, फेब 21, ठीक है. फाइनल डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड शोरियल विल बी फेब 28, 2021. जस्ट कीप इन माइंड दिस इज द फाइनल डेट ऑफ योर कंप्लीशंस, ठीक है. कंप्लीशंस, इसके बाद में मैं कभी भी आपका सबमिशन ले सकता हूँ, ठीक है. डिपेंड्स ऑन मी, वो कंप्लीट करके 28 तारीख तक रखना है, ठीक है. सर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो ग्रुप पे, अरे ग्रुप पे क्या क्या डालेंगे, सब लोग बोलते हैं ग्रुप के ऊपर ही डालेंगे, ग्रुप के ऊपर ही डालेंगे, फिर बाकी लोग कोई लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं. सब कुछ ग्रुप के ऊपर ना. ओके अवेलेबल हो जाता है उनको. अभी मैंने भी YouTube के ऊपर लेक्चर्स वगैरह सब डाले हैं, उसकी वजह से फिर कोई अटेंड ही नहीं कर रहे करोगे फिर आप लोग. अटेंडेंस ऑल्सो कंपल्सरी ना. सर 1 वीक अगर पूरा अटेंड नहीं किया है तो कितना परसेंट होगा फुल में से? उतना नहीं रहेगा फिर, 1 वीक का कुछ नहीं रहेगा. वो भी अगर आप लोग एप्लीकेशन ओके सबमिट करोगे तो वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, एनीथिंग एल्स इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज क्लियर इट. ठीक सर हाँ बोल. प्रोजेक्ट मध्ये जर आपल्याला समजा कॅरेक्टर आपल्याला नाही का करायचे असतील 3D मध्ये, हाँ मग ते असं करता येईल का कि एखादं 2D मध्ये काय कॅरेक्टर तयार करून म्हणजे वेट्रॅट किंवा कॅरिकेचर तयार करून ते नंतर 3D मध्ये कन्वर्ट करता येईल का? 2D मध्ये कॅरिकेचर क्रिएट करून 3D मध्ये कन्वर्ट करता येईल का? काय काय ऍप्लिकेशन आहेत हाँ कैरिकेचर किंवा वेक्टर.
some of the applications are there which support the curves of your 3D space. ठीक है, 3D space के अंदर आप लोग जो curves से create करते हो, मतलब mesh, वो अगर create करके आप लोग upload करोगे, so उस software के अंदर, so it will automatically create a 3D output. ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है mesh का त्याच्यामध्ये problem येईल तुला. ठीक है, जर का अशा प्रोसेस मध्ये करायचं असेल, नाहीतर तसं जर का कन्सेप्ट असेल तुझं यू हैव टू इम्पोर्ट द 2D कैरेक्टर. 2D कैरेक्टर अगर आपको 3D एनवायरमेंट में इम्पोर्ट करना है तो 2D कैरेक्टर ही आप लोग ऐसे बनाओ विद डेप्थ कि वो 3D लगे. ठीक है, वैसे अगर आप लोग क्रिएट करते हो तो वेल एंड गुड, इट विल बी वेरी नाइस. ठीक है, अभी कुछ कुछ जो एग्जाम्पल्स है तू मन रहा है, जस्ट शो यू वन एग्जाम्पल. रिसेंटली मैंने एक ये देखा था, शॉर्ट फिल्म या फिर एक वीडियो था, उसके अंदर पूरा एक 3D स्पेस था. हाँ है, बघा इन दिस, यहाँ पे जो है इन्होंने रेंडर किया है ह्याच्यामध्ये, बघ हे जे आहे हे 2D क्रिएट केलेलं आहे, फक्त ह्याला डेप्थ कशी दिली आहे, हे डेप्थ दिल्यामुळे 3D दिसत. ठीक आहे, दिसतंय सुनीत, मोठी करतो हे बघ, हे 2D कॅरेक्टर, हे पण एक 2D कॅरेक्टर आहे, आणि एवढं प्रिसाइज केलेलं नाही आहे. हे बघ, हे 3D त्यांनी क्रिएट केले, 2D मध्येच त्यांनी 3D असे ऑब्जेक्ट क्रिएट केले. फोकस होईल पुढं. ठीक आहे, फोकस. हा सर, समजलं. हे पण 2D एन्व्हायरमेंट आहे, बट इट इज लुकिंग 3D. बट सर, कॅरेक्टरला ऍनिमेशन करायचं असेल तर फ्रेम बाय फ्रेम करावं लागेल ना प्रत्येक? फ्रेम बाय फ्रेम तुला 2D सॉफ्टवेअर मध्ये करायला लागेल, आणि त्याचे व्ह्यूज वगैरे सगळं रेंडर करून मग त्याचा अल्फा रेंडर काढावा लागेल, ट्रान्सपरंट रेंडर, PNG इमेज काढावी लागेल, PNG सिक्वेन्स काढावा लागेल, मग ते सिक्वेन्स ह्याच्यामध्ये इम्पोर्ट करून ट्रॅक वगैरे करून ते व्यवस्थित ऍडजस्ट करायला लागेल. हे बघा, हे कम्प्लीट 2D आहे, कम्प्लीट 2D कॅरेक्टर इन 3D एन्व्हायरमेंट. काहीच नाही याच्यामध्ये, बघा ह्यांनी फक्त काय केलं, हे 2D ऍनिमेशन क्रिएट केलेलं आहे, हे एन्व्हायरमेंट मध्ये काही मुवमेंट नाही, दे हॅव जस्ट डन अ मॅट पेंटिंग. ठीक आहे, मॅट पेंटिंग क्रिएट किया उन्होंने, ये सब एन्व्हायरमेंट के अंदर, इट इज लुकिंग 3D, एंड जस्ट दे हॅव ऍडजस्टेड द कॅमेरा एंगल्स. ठीक आहे, यहाँ पे भी कुछ भी मूवमेंट नहीं है, जस्ट ये दो कैरेक्टर्स के अंदर मूवमेंट है. आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को यूजिंग द डिफरेंट टूल्स, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट एनवायरमेंट्स. अगर आपको एनवायरमेंट स्टिल रखना है या फिर कैरेक्टर स्टिल रखना है, आप लोग कैरेक्टर भी स्टिल रख सकते हो और सिर्फ एनवायरमेंट में मूवमेंट दिखा सकते हो. इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी. त्याच्यामध्ये पण फक्त एन्व्हायरमेंट पेंटिंग केलेली आहे, फक्त इथे वॉटर मध्ये थोडस अॅनिमेशन आहे, आणि हे दोन कॅरेक्टर्स मध्ये अॅनिमेशन आहे, कॅमेरा मुव्हमेंट वगैरे काहीच नाही, स्टील कॅमेरा आहे. इकडे पण बघा, स्टील कॅमेरा.
किती बेसिक कॅरेक्टर्स बघा, एकदम बेसिक कॅरेक्टर्स आहेत फक्त. हे अशी नाक काढली, एक अशी डोळे काढले, बस संपलं. हेअर वगैरे काही डिटेल्स नाही, एकदम सिम्पल काढले. जस्ट प्लेइंग विथ द एक्सप्रेशन अँड द मुवमेंट. ठीक है, डन. एकदम बेसिक स्टोरी है, एकदम बेसिक शॉर्ट फिल्म है, जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक आहे, अशा टाइपची स्टोरीज तुम्ही क्रिएट करू शकता. एकदम बेसिक आहे, काहीच नाही याच्यामध्ये. फक्त तुम्हाला कॅरेक्टरचं अॅनिमेशन व्यवस्थित करता यायला पाहिजे. ठीक आहे, मतलब आपको मालूम चाहिए कि कॅरेक्टर अॅनिमेशन कैसे करना है, या फिर कॅरेक्टर अँगल्स कैसे इंक्लूड करना है इसमें, एंड हाउ टू इम्पोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंबाइन. ठीक है, कंबाइन कैसे करना है डिफरेंट एलिमेंट्स, यू हैव टू कंसिडर दैट. ठीक है, एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क. ठीक है, आज मैं आपके थोड़े से टेक्स्ट इफेक्ट्स का पार्ट लेने वाला था, बट दैट मच टाइम इज नॉट रिमेनिंग, सो आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में वो कंप्लीट कर लूंगा मैं आपका. ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, लास्ट जो चैप्टर है आपका. ठीक है, लास्ट चैप्टर यूजिंग द टेम्पलेट्स एंड गिविंग द आउटपुट्स. ठीक है, एंड हाउ टू इम्पोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस. वो एक पार्ट बाकी है, थ्योरेटिकल तो पूरा कंप्लीट हो गया है, 180 डिग्री रूल तक पूरा कंप्लीट किया मैंने. ठीक है, ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, नोट्स भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर. ठीक है, और जैसे कि वीडियोस वगैरह सब डाल दिए, वैसे ही नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके जल्दी ही ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा. नेक्स्ट द लास्ट चैप्टर. ठीक है, लास्ट चैप्टर एक बाकी है आपका, एंड सम ऑफ द इफेक्ट्स. ठीक है, यूज करके दिखाऊंगा मैं, जैसे कि आपको वीडियो इफेक्ट्स दिखाया मैं. ठीक है, हाउ टू यूज द वीडियो इफेक्ट्स, ओनली दैट टाइप आई कैन शो यू सम ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट्स. तो आपको टाइटलिंग का जो आपका असाइनमेंट है, ठीक है, टाइटलिंग का जो असाइनमेंट है वो क्रिएट करने के लिए आपको यूजफुल रहेगा. काफी सारे लोगों को आता भी रहेगा, बट दोज हू डोंट नो आई विल जस्ट इंपोर्ट, आई विल जस्ट शो देम दैट टाइप ऑफ इफेक्ट्स. ठीक है, वीडियो इफेक्ट्स मैंने आपको मतलब ऑडियो इफेक्ट्स दिखाए थे, वीडियो इफेक्ट्स भी बहुत सारे चार पांच दिखाए थे, और ऑडियो इफेक्ट्स भी दिखाए थे मैंने आपको. ठीक है, सो ऑल्सो इफ यू वॉन्ट आई कैन रिपीट दोज इफेक्ट्स एट द एंड. ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो. Also, I will cover up all of the title effects. Okay? ठीक है, आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ आपको. टेल योर फ्रेंड्स. ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, आपकी सब जो टीम मेंबर्स है उनको सबको लेक्चर अटेंड करने के लिए लगाओ, नहीं तो फिर फाइनल में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आपको सबमिशन के टाइम पे. ठीक है, कुछ आता ही नहीं रहेगा अगर आप लोग उनको कंपोजिटिंग में काम दे दोगे और उनको आता ही नहीं है, लेक्चर वगैरह कुछ अटेंड नहीं किए, बेसिक कंपोजिटिंग भी आती नहीं है, तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम इन योर टीम. ठीक है,
आपके टीम मेंबर्स के लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। इट इज जॉब ऑफ अ टीम लीडर टू लीड हिज टीम एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है कि टीम लीडर है इसलिए वो कुछ भी काम नहीं करेगा, बाकी सबको डिवाइड करके देगा। डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। इफ यू आर हैंडलिंग एनी टीम, डोंट बी अ बॉस, ठीक है। डोंट बी अ बॉस, बी अ लीडर। यू शुड लीड योर टीम, ठीक है। मतलब लेट्स डू दिस टाइप ऑफ वर्क, यू हैव टू प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ वर्क, यू हैव टू वर्क इंक्लूडिंग योर सेल्फ, ठीक है। आपको खुद को भी काम करना है और जितना वर्क बाकी लोग कर रहे हैं उतना भी, उतना ही वर्क आप लोग को भी करना है उसका। और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इससे ज्यादा स्टूडेंट्स दिखने चाहिए, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्म योर ग्रुप।